अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, लापा के करम से। मैं और मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जहाँ पर मैंने वाला व्लॉग एंड किया था, मैंने वहीं से कंटिन्यू कर दिया। ये बाहा का व्लॉग है, अलबाहा का, और यहाँ पर हम इंटर हो चुके थे। और यहाँ देख सकते हैं कितना खूबसूरत मौसम हो रहा था, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही थी यहाँ। और इतना बड़ा प्रैंक हुआ हमारे साथ, क्योंकि जो गाड़ी में इनके दोस्त थे ना, वो ये सोचे थे हम अलबाहा तक जाएंगे, हम आगे नहीं जाएंगे। हमारा प्लान जो था वो था अलबाहा जाने का, और वो सोच रहे कि बस हम लोग बाहर जाएंगे। और जब उनको लोकेशन मैंने अपनी फ्रेंड के घर के दिखाई, वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, वो कहने लगे वो तो बहुत दूर है यहाँ से, और अगर आप हमें पहले पता होता, क्योंकि बाहा और अलबाहा दोनों एक जैसा मिलते जुलते नाम है, वो इस चक्कर में था हम बाहर जाने की बात कर रहे हैं। तो हुआ ये कि बाहा से अभी भी अलबाहा का जो रास्ता है वो है 7 से 8 घंटे का और था आगे। तो उन्होंने बोला अभी तो बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ से, और रात के 9-10 बज चुके थे जब हम अलबाहा में जब हम इंटर हुए थे, अभी 9-10 का टाइम था। और फिर बस आगे फिर हमने अल्लाह का नाम लेके ट्रैवल किए। यहाँ पर हमने स्टे किया था 3 से 4 घंटे तक का, क्योंकि हमने ये सोचा था हम आते वक्त घूमेंगे, पर हमने 3-4 घंटा घूम लिए थे। और बस फिर हमने बोला था नहीं भाई आगे चलते हैं, ये बस देख लिया। और मुझे बाहा से अच्छा तो लगना अबहा, माशाल्लाह इतना हसीन है, इतना खूबसूरत है, बहुत प्यारा। और हम फिर घर चले गए थे मेरी दोस्त के घर, और थोड़ी देर हमने वहाँ स्टे किया था रात को, क्योंकि सुबह पहुँचे थे 5 बजे, और फिर हम थोड़ी देर सो गए थे। सोने के बाद हम फिर से निकल गए थे 2 बजे, और ये बोल नहीं सकता कोई कि 2 बजे का टाइम है, क्योंकि मौसम इतना खूबसूरत था ना, बहुत प्यारा था, मतलब दिल ही नहीं कर रहा था जाने का। और यहाँ पर हम आए थे पहाड़ी पर, और क्योंकि यहाँ पर कोई एक पार्क है वो इतना खूबसूरत बना हुआ, मतलब ग्राउंड टाइप बहुत प्यारा, तो हम लोग बस वहाँ आ गए थे। 3-4 घंटे हम लोगों ने यहाँ मतलब थोड़े से शूट वगैरह कर लिया था, तो ये पिक्चर्स बना ली थी, बच्चे थोड़े खेल लिए थे, क्योंकि उनके भी माशाल्लाह से 3 बेटियाँ हैं, तो बस उनकी फैमिली थी और हम थे, क्योंकि मेरी फ्रेंड वो यहीं पर ही रहती है। तो उसने मुझे ख़ास बोला था कि आप आना, नहीं आएंगी तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी, तो बस इसीलिए फिर मैं चली गई थी, क्योंकि किसी का दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं है। और मैं मेरे घर आ चुकी थी, उसने बोला था तुम नहीं आई, तुम आके भी नहीं आई तो फिर मैं नाराज़ होंगी। तो बस इस चक्कर में फिर हमें उसने होटल भी नहीं लेने दिया था, हालांकि हमने होटल की बुकिंग कर ली थी ऑनलाइन। मेरे हस्बैंड कह रहे थे, देख रहे थे ऑनलाइन करने के लिए, पर ना उन्होंने मना कर दिया कि आप होटल नहीं करेंगी, इतना बड़ा मेरा घर है, खाली है बिल्कुल, और हम ही आप लोग मतलब रह लें। फिर उन्होंने क्या किया था, एक रूम तो मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए मतलब सेट कर दिया था, और दूसरा रूम उनके फ्रेंड के लिए। उनका माशा बहुत बड़ा घर है, उनको बहुत सस्ता मिला हुआ है, इतना बड़ा घर है। मैंने बस ये गलती हो गई, उनका होम टूर नहीं लिया, क्योंकि घूमने घूमने के चक्करों में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और मैं ये आपको दिखा रही हूँ इतनी ऊंचाई, ये हम नीचे से ही ऊपर आए हैं, और ये देख सकते हैं हम कितना सफ़र क्रॉस करते 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 आएँ। और अभी तो आपको फिर भी पूरा नहीं दिख रहा, अभी जो हम कहीं और जाएंगे ना, वो मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर दिखाऊंगी, मतलब इतनी ऊंचाई से, मतलब इतनी ऊंचाई पे आए, इतनी नीचे से, बहुत ऊपर थे हम लोग, पर ये बहुत खूबसूरत मंज़र था, मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन और तरीन मंज़र था। और मुझे इस तरह का मौसम और इस तरह की जगह मुझे दिल से बहुत पसंद है। अब हम वापस जा रहे हैं, हम यहाँ पर 3-4 घंटे रहे थे, 5:30 का टाइम हो गया था, क्योंकि हमने ये बोला था मगरिब की नमाज से पहले पहले, अंधेरे से पहले पहले हम पार्क जाएँगे। अभी हम लोगों ने ये बोला था हम पार्क भी जाएँगे, तो रस्ते में इतनी तूफ़ानी वाली बारिश हो गई, और ना बर्फ़बारी के साथ हो गया था मौसम, इतना खूबसूरत हो गया था ना, और भी ज़्यादा अच्छा। तो हम भी फिर भी हिम्मत नहीं आ रहे, हमने यही सोचा कि हम आगे और जाएंगे, बस जाते रहेंगे, बस सफ़र ही करते रहोगे। मौसम इतना हसीन था ना कि दिल नहीं कर रहा था कि भाई वापस मूव ले लो, घर ले लो, ऐसा दिल ही नहीं था, क्योंकि मौसम इतना खूबसूरत था। तो आगे वाली जो वीडियो है ना, वो मैंने आपको प्रॉपर बस फुल वीडियो दिखाऊँगी, भले ही वो कितना लंबा ही व्लॉग क्यों ना हो जाए। अभी यहाँ पर व्लॉग मैं करती हूँ एंड, क्योंकि ना ये वाला व्लॉग स्टॉप कर देती हूँ, क्योंकि जब हम पार्क में इंटर होंगे ना, वहाँ से लेके मैं जद्दा तक का फिर सफ़र आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह। आई होप आज का व्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।